Hello students, today we will learn subject ENV, lesson 12, how we move around. तो last lecture में हमने क्या क्या देखा था? Land transport and air transport, ये दोनों हमने देखे थे last lecture में? Yes, तो अब हम देखेंगे इससे आगे, यानी कि water transport. Water transport, a shell boat uses wind power to move on water. तो आपको यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया है वो किसका है? शेल बोट का. इसको पानी में चलने के लिए वो कौन से पावर का यूज करती है ये बोट? यस, विंड पावर का यूज करती है ये. और ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? वाटर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फिर नेक्स्ट ये किसका पिक्चर है? यस, शिप का. इसको क्या बोलते हैं? शिप. अ शिप इज अ लार्ज बोट. जो ये शिप है वो बहुत बड़ी बोट है. इट कैन ट्रैवल अक्रॉस सी एंड ओशियन. ये सागर और महासागरों में वो ट्रैवल कर सकती है. इट कैरीज पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस. ये लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है और वो डिस्टेंस यानी कि ज्यादा डिस्टेंस तय करने के लिए वो गुड यानी कि अच्छी है. फिर है स्पीड बोट. तो देखो ये किसका पिक्चर है? स्पीड बोट का. अ स्पीड बोट इज स्मॉल. जो स्पीड बोट है वो कैसी है? स्मॉल है. बट इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट. लेकिन ये बहुत ही जल्दी यानी कि स्पीड से ट्रैवल करती है. तो इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोट. फिर है टाइम टू आंसर. फर्स्ट आई यूज विंड टू मूव ऑन वॉटर. तो विंड पावर कौन यूज करता है पानी में चलने के लिए? यस, शेल बोट. तो यहां पे क्या लिखेंगे? शेल बोट. एस ए आई एल बी ओ ए टी, शेल बोट. फिर है सेकेंड, आई एम अ लार्ज बोट एंड मूव अक्रॉस सीज. यानी कि वो बहुत ही बड़ी बोट है और वो समुद्रों में से चल सकती है. तो इसको क्या बोलते हैं? शिप. एस एच आई पी, शिप. फिर है की टर्म्स. उसमें फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट. तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई भी लोगों को या फिर कोई ज़्यादा चीज़ों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट. फिर है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. डिफरेंट वेज यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि जो अलग अलग तरीके होते हैं ट्रैवल करने के एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. फिर है नाउ आई नो. पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वेरियस मीन्स. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग अलग अलग ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं. दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो इसको क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जो अलग अलग चीज़ों को यूज करते हैं जैसे कि बाइक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, कार, ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बस, कार, बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रेन एंड ट्रक आर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? बस, कार, बाइसिकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रेन एंड ट्रक, ये सभी चीज़ें लैंड ट्रांसपोर्ट में आती हैं. फिर है एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. तो एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है?
एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर. एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. फिर है शेल बोट, स्पीड बोट एंड शिप आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है? शेल बोट, स्पीड बोट एंड शिप, ये सभी पानी में चलती हैं. यानी कि शेल बोट, स्पीड बोट एंड शिप आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो ये सब कुछ हमने इस लेसन में पढ़ा और लर्न किया है ना. तो अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज. लेट अस प्रैक्टिस. क्वेश्चन ए, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट है बस, सेकंड एरोप्लेन, थर्ड स्पीड बोट. और इसके ऑप्शंस है फर्स्ट ए यानी कि एयर, बी वाटर, सी लैंड. तो बस कौन से ट्रांसपोर्ट में आती है? एयर, वाटर या लैंड? यस, लैंड ट्रांसपोर्ट में. तो ये बस को हम लैंड ट्रांसपोर्ट में जॉइंट करेंगे. ठीक है, देखो इसको यहाँ से हम इसे जॉइंट करेंगे यानी कि मैच करेंगे. फिर सेकंड एरोप्लेन. एरोप्लेन कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट? यस, एयर ट्रांसपोर्ट. तो एरोप्लेन को हम यहाँ पे एयर के साथ मैच करेंगे. ठीक है, फिर है स्पीड बोट. क्या है ये? स्पीड बोट. तो स्पीड बोट कौन सा ट्रांसपोर्ट है? यस, वाटर ट्रांसपोर्ट. तो इसको हम वाटर के साथ मैच करेंगे, स्पीड बोट को वाटर के साथ मैच करेंगे. फिर है क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स. तो जो सही है सेंटेंस उसके लिए हमें ट्रू लिखना है और जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिखना है. फर्स्ट, अ ट्रेन मूव्स ऑन द रोड. तो ट्रेन है वो रोड के ऊपर चलती है? नो, ट्रेन है वो तो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चलती है ना. तो ये सेंटेंस सही है या गलत? यस, गलत है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे एफ. फिर है अ बस इज अ मींस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. तो बस है वो एयर ट्रांसपोर्ट में आती है? नो, क्योंकि बस है वो तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है. इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एफ. फिर है थ्री, एन एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो जो एरोप्लेन है वो सबसे ज्यादा स्पीड से चलता है सभी ट्रांसपोर्ट में? यस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ट्रू यानी कि टी. फिर फोर, अ ट्रेन कैन कैरी फ्यूअर पीपल देन अ कार. तो ट्रेन है वो कम लोगों को कैरी कर सकती है कार के कंपैरिजन में? नो, क्योंकि ट्रेन में तो बहुत सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं ना, इसलिए ये सेंटेंस गलत है. यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फॉल्स यानी कि एफ. फिर है क्वेश्चन नंबर सी, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? ट्रांसपोर्ट के नेम लिखने हैं. आपको यहाँ पे व्हीकल्स के नेम नहीं लिखने हैं, क्या लिखना है? ट्रांसपोर्ट के निकले हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ये किसका पिक्चर है? बस का. तो ये कौन से ट्रांसपोर्ट में आती है? यस, लैंड ट्रांसपोर्ट में. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लैंड, एल ए एन डी, लैंड. फिर है ट्रेन, ये किसका पिक्चर हुआ? ट्रेन का. तो ये कौन से ट्रांसपोर्ट में आती है? यस, लैंड ट्रांसपोर्ट में. तो यहां पर भी क्या लिखेंगे हम? लैंड, एल ए एन डी, लैंड ट्रांसपोर्ट. फिर थ्री, ये किसका पिक्चर है? यस, एरोप्लेन का. तो एरोप्लेन कौन से ट्रांसपोर्ट में आता है? यस, एयर ट्रांसपोर्ट में. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एयर, ए आई आर, एयर ट्रांसपोर्ट में. ठीक है, फिर ये किसका पिक्चर है?
शेल बोट का, है ना। तो ये कौन से ट्रांसपोर्ट में आती है? यस, वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वाटर, WATER, वाटर, ठीक है। नाउ वी लर्न क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? व्हीकल्स विच हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो हम यूज करते हैं व्हीकल्स, उसको क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? यस, एरोप्लेन। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। एरोप्लेन है वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज अ सेलबोट मूव। तो सेलबोट कैसे चलती है? अ शेल बोट यूजेस विंड पावर टू मूव ऑन वाटर। तो वो पानी के ऊपर चलती है और वो चलने के लिए विंड पावर का यूज करती है। फिर फोर, नेम टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? टू नेम्स लिखने हैं जो लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, ऐसे। तो कार एंड बस, वो क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, है ना।